ऋषिकेश में कुछ युवकों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक एक दूसरे युवक की हॉकी स्टिक से पिटाई करते नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, एक युवक ने भीड़ को डराने के लिए पिस्टल से हवाई फायर भी किया। हवा में चलाए गए फायर से आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई और डर का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल पर किसी बात को लेकर कुछ युवकों में बहस हो गई। इसके बाद कुछ युवकों ने गाड़ी से हॉकी स्टिक निकालकर दूसरे युवक की पिटाई करना शुरू कर दी और हवा में फायरिंग भी शुरू कर दी। ये ऋषिकेश में कल चंद्रभागा पुल के पास एक रात्रि में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कार सवार चार लोग जो किसी छोटी बात पर लोकल जो वहां के निवासी थे उनके साथ दीपक उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उनके द्वारा आवेश में आकर पहले फायर किया गया। फायर करने के बाद हॉकी स्टिक और डंडों से लोगों को वहां पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना सनसनीखेज थी, इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश चौकी और साथ ही साथ SOG ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। तो AP नंबर की गाड़ी का पता चला था, उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहां पर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ जो पूरे घटनाक्रम का पता चला, उस लाठी डंडे स्टिक से उनकी गाड़ी से बरामद हुए। पुलिस से बचने के लिए वेपन को जो है जो इलीगल वेपन पिस्टल थी उसको एक कूड़ेदान में रास्ते में फेंक दिया गया था, उसको भी कल पुलिस ने रात्रि में बरामद कर लिया गया। चारों अभियुक्त में दो अभियुक्त राजस्थान के रहने वाले, अन्य जो है हापुड़ के रहने वाले हैं, जो गढ़वाल श्रीनगर यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं और साथ ही दोस्त हैं और वो वहाँ पर जा रहे थे। चारों को न्यायिक हिरासत में पेश किया जा रहा है।